हेलो हरनित, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज तू फ्री है? आज मेरे घर 4 बजे करनी वाले बहुत मन्ने वे बाबा जी आ रहे ने। बाबा जी आ रहे? तू भी आ जाना, जे कुछ पूछना है तो पूछ भी ले। ठीक है, मैं आ जावांगी। हाँ 4 बजे आ जाना, लेट ना करी। ठीक है। जी माया नू हाथ नहीं लाते। बाबा जी दूर दूर तक वेख सकते हैं तोड़े कार च की दुख तकलीफां। चिंता ना करो, हुणे बाबा जी कोलों मंत्र लेना है, सारिया दुख तकलीफां दूर हो जानियां इस घर दियां। हुण मैं 2 मिनट समाधी लांगा, कोई विच कुछ ना बोलियो। अखा बंद करो जी, बाबा जी ध्यान ला रहे हैं। मैं दूर दूर तक देख सकदा इस घर च की दुख तकलीफां। बाबा जी मंत्र दा दान बख्शो दास नू, सारिया दुख तकलीफां दूर करनियां इस घर दियां। आया मंत्र। हुण चिंता ना करियो, इस घर दियां सारिया दुख तकलीफां दूर। इक गल दा ध्यान रखियो, ए जो मंत्र दित्ता ना बाबा जी ने, इनू तुसी तिन्ना ने कठिया बह के 21 बार 40 दिन का जाप करना है। समझ गए तुसी? कोई नागा नहीं होना चाहिदा इस च। इस गल दा पूरा ख्याल रखियो, सारिया दुख तकलीफां दूर हो जाणगियां इस घर दियां। ओए लिफाफा कित्थे गया? ओए लिफाफा कित्थे गया? बाबा जी लिफाफा कित्थे गया? ओए तां मैं पुछ रहा तैनू। ओ इत्थे माया दा लिफाफा पिया सी, ओ कित्थे गया? मैं माया नू हाथ नहीं लांदा, है तां बाबा जी लई सी। बाबा जी तुहानू तां दूर तक दिखदा है ना, फिर समाधि लगा के देख लो एनवेलप कित्थे गया तुहाडा। ओ चुप करो तू, कोले। बाबा जी ए मेरी फ्रेंड है। आज तक बाबा जी दी यूनिवर्सिटी नहीं हुई है, वड्डे वड्डे बंदिया दे घर बाबा जी जाके आए। बाबा जी लगदा इत्थों जाना पैणा, तुहाडी तां बहुत बेइज्जती हो गई है। बाबा जी ये तो बच्ची है, मैंने जब उन्हें माफी मांगा। हांजी तू है की किता, तुम पता नहीं बाबा जी ने। रुक जाओ बाबा जी, किथे ना जाओ, ए रिया तो डैन मिले मेरे को। हने तेनू पता नहीं बाबा जी नाल किदा गल करदे ने। मैं तो उही कीता है जो गुरु नानक साहिब जी ने जगन्नाथ पुरी विच कीता सी। आओ मैं तुहानू उहनां दी साखी सुनावा। जदो गुरु नानक साहिब जी जगन्नाथ पुरी पहुंचे ना, उथे एक पंडित सी जो बहुत ही पाखंड करदा सी। ओ ना अपना डेरा लगा के बैठदा सी, ते अपने सामने एक लोटा रखदा सी, ते सारे उस विच पैसे पांदे सन। तो सारिया नू कहंदा सी, मैनू ना रब दे दर्शन हो रहे ने, ते मैं तुहानू भी ओ स्वर्ग तक पहुंचा दवांगा। गुरु नानक साहिब जी ए पाखंड देख के हैरान हुए। जदो साधु ओ पंडित समाधि लगा के बैठे सी, उस वेले गुरु नानक साहिब जी ने अब भाई मर्दाना जी नु कहा कि उसका लोटा गायब कर लो। जदो भाई मर्दाना जी ने लोटा गायब कर लिया, उस तो बाद जदो कलजुग पंडित ने अखा खोलिया, वो परेशान हो गया, वो बहुत ही बुखला गया। उस सब नु पूछन लग गया, मेरा लोटा किथे चला गया? ये सब चीजा गुरु नानक साहिब जी देख रहे सन। फिर गुरु नानक साहिब जी ने उसनु बोलिया कि तेनू ता सब कुछ दिखदा है, तू रब नाल मिलदा है ना, ते अपने रब कोलो ही पुछ ले तेरा लोटा किथे चला गया। फिर उसनु होर गुस्सा आ गया। उठे जो लोग बैठे सन ओ भी कहन लगे, बाबा जी रब जी तो पुछ लो लोटा किथे चला गया। फिर गुरु नानक साहिब जी ने उसनु बोलिया, लोटा किथे नहीं गया, तेरे पीछे जो चाड़िया ने उस विच ही पिया है। ए सुन के ना ओ बहुत ही शर्मसार हो गया, ते गुरु नानक साहिब जी दे चरणा विच डिग गया, ते कहन लगा, अज तो बाद मैं ऐसा नहीं करांगा, मैं लोगां नू एवे नहीं ठगांगा। धर्म ता एही है, सच बोलना, किसी दा दिल ना दुखाना, ते सब नाल चंगा कम करना।
गिनती दे पाठ करन दा कोई फायदा नहीं है। भावे तुसी दिन विच एक ही वारी पाठ करो, पर उसनु समझो ते अपने दिल विच ते अपने जीवन विच वसाओ। गुरु जी ने विता क्या है ना, सुनिए मनिए मन रखिए पाओ। जे मन विच नहीं वसावांगे ना, कुछ भी फायदा नहीं होएगा। बाबा जी, इधर ते सब दी अखा खुल गया, और साड़ी रोटी पानी दा क्यों होएगा? चिंता ना करो यार, बड़ी दुनिया पई है इत्थे, इन्हां दी अखा खुलियां बाकी संसार पिया साड़े लिए। चलो चलिए, चलो चलो। बाबा जी, ओ लिफाफा। हनीत बच्चे, तू तो साड़ियां अखा खोल दितियां। आंटी जी, तुसी फिर ओही गल कर रहे हो, मैं कौन होंदियां तुहाडी अखा खोलन वालियां? अखा ते गुरु जी दी बाणी ही खोल सकदी है। ये गल तो बिल्कुल ठीक है, मेरे कल हर एक और बाबा पड़ के आ जाएगी।